नाम है घोड़े का? इसका नाम गुग्गू है जी। गुग्गू? हाँ जी। गुग्गू नाम इसका यार? अपने जिले में ना ही गुग्गू गिल जी पंजाबी अदाकार हैं जी, फेमस एक्टर हैं जी। अच्छा, वो एक सिंगर है ना सर? हाँ वो, हाँ सिंगर नहीं जी, एक्टर हैं जी, पंजाबी एक्टर हैं। वो ना जब ये छोटा था, हाइट लात इसके लंबी होने कारण ये झूम झूम तुरता था। अच्छा, इसके लिए इसका नाम उनके नाम पे आपने इनका नाम और वैसे नाम रखा है। वैसे ही परमात्मा कृपा हुई, उतना ही फेमस हुआ है ये। बिल्कुल। कौन है बाप इसका? इसका बाप बेताब घोड़ा है जी। बेताब घोड़ा? हाँ जी भाई, घोड़ा हाइट में खूब है आपकी। हाँ देख लो जी, मेरे साथ खड़ा हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करता, आपको प्यार करता नहीं, मैं घोड़ा छोटा हूँ, छोटे होते से मैंने पाला, मेरे घर पे ब्रीड हुआ ना जी। आप कितनी उम्र में लेके आ गए थे इस घोड़े को? नहीं, मेरे घर के घर पे ब्रीड हुआ जी, अभी 35-36 महीने का हो गया जी। 35-36 महीने का? हाँ जी, दो दांत है जी अभी। और हाइट में कितना चला गया? 69 इंचेस है जी। 69। बाकी आप खुद आके चेक कर लो जी। मैं तो क्या चेक करूँ, आपने कह दिया, मैंने मान लिया और क्या। ये देखो मेरे सर के भी ऊपर से है जी। बेताब का बच्चा है? हाँ जी, बेताब का बच्चा है जी। एक घोड़ा यानी कि पालने के लिए? हाँ जी। जो पैदा करता, चलो उसने तो सेवा जो करनी थी घोड़े को, बस नॉर्मल खुराक भी तैयार किया जी। जो हाइट का जो राज है वो तो जीन्स है इसके। इसकी मदर की हाइट 66 है जी। वो जो भी घोड़ा डालते हैं उस पे, वो घोड़े से 2-3 इंच घोड़ा बच्चा बड़ा देती है। अच्छा। एक इसकी बहन खड़ी है अपने घर पे, उसके बाप से वो 3 इंच हाइट में ज्यादा है जी। वो भी नेचुरल स्पॉटलेस है जी, सेम कंडीशन है। ये भी स्पॉटलेस है? हाँ जी, 1,00,000 रुपया नाम रखा है जी अपन ने। हटा तो नहीं दिया तुमने स्पोर्ट्स? नहीं, अगर किसी ने छेड़खानी भी ढूंढ दी उस पे, फिर भी हम देनदार हैं, फिर भी वो पॉलिसी अप्लाई करेंगे। यानी 1,00,000 रुपए कमाने का अच्छा सुनहरा अवसर है लोगों के पास। हाँ जी, अगर मिल गया तो हम 1,00,000 देंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो वो 5,00,000 देगा। हाँ वो 5 दे दे, 50 ही दे दे हमें तो। 50 ही दे दे, 50,000 दे दे, 10 ही दे जावे, 10 दे दे हमें मंजूर है। घोड़े का 1 महीने का राशन पानी निकले? हाँ राशन पानी निकले। लाइव हो क्या जी अपने गांव से? चलो चलो, नहीं यार आप इतना कह रहे हो, आपके घर की हॉबी, आप जब भी कह रहे हो ना कि आपको भरोसा है कि घोड़े के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है, क्योंकि जो छेड़खानी करेगा वो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं। और मेरे को लगता है यार ये ऊपर वाले ने चीज दी, इसके साथ छेड़खानी मेरे को लगता है करनी भी नहीं चाहिए, करनी जैसा भगवान ने घोड़ा दे। अरे यार फुलकारी आ भी गई तो क्या फर्क पड़ गया यार? अपने पास दूसरा घोड़ा है जी, उसके नाम मात्र स्पॉट है, हमने निकाले नहीं है। वो 2 शो विनर है जी। बाकी इसकी कवरिंग चालू करी? इसकी कवरिंग चालू है जी। क्या फीस वगैरह क्या लेते हो? इसकी 31,000 है जी। 31,000 रुपए? हाँ जी। कितनी क्या घोड़िया कवर करा दी इससे? इससे लगभग 100 घोड़ी क्रॉस हो गई है जी। 100 घोड़ी? हाँ जी। और रिजल्ट वगैरह आया कि नहीं? 2 बच्चे आ गए इसके। अच्छा। 2 साल का था तभी अपन ने घोड़ी पे छोड़ दिया था। जिसकी घोड़ी पहली मेट हुई है ना जी, उन्होंने 1.5 साल का घोड़ा पास कर दिया था, और 6 महीने अपनी घोड़ी रोक के रखी थी। ओके। इस घोड़े के लिए, क्योंकि पहला बच्चा उन्होंने ऐसे था भी अपने घर पे है। बाकी नुकरे हाइट में बहुत तरक्की कर रहे हैं यार पंजाब। हाँ जी, नुकरे कर रहे हैं जी, ब्लड लाइन है जी, अच्छी ब्लड लाइन है, वो तो करेगा ही। थोड़ा उदम कर रहा है, संभालना, थोड़ा भारी हो रहा है। भारी हो रहा है जी। है? भारी हो रहा है जी। चलो करने दो यार, इसके भी मंडी में मजे लेने के दिन है यार। हाँ जी। चलो बढ़िया बढ़िया, जब तक घोड़ा उदम नहीं करे जब तक मेरे को लगे लोग भी नहीं आते देखने, है ना? नहीं आते जी। चलो बढ़िया। हाँ जी, इसमें सभी के सभी घोड़े, छोड़ दे, सभी के सभी घोड़े चैंपियन थे इसमें जी। फर्स्ट से लेके 10th तक सभी घोड़े ऐसे थे जो फर्स्ट सेकंड आए हुए हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बाकी क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम रणविजय है जी। रणविजय? हाँ जी। और कौन है बाप रणविजय का? इसका बाप प्रिंस डोड है जी। हाँ जी। और उम्र कितनी हो गई इसकी? इस घोड़े की उम्र 4 साल के लमसम है जी। 4 साल के करीब है? हाँ जी। और हाइट में कितना है? इसकी हाइट 65 इंचेस है जी। 65 है? हाँ जी। कवरिंग चालू है इसकी भी? हाँ जी, इसके रिजल्ट आ गए जी। एक बच्चा इसका सबसे छोटी उम्र का था अक्सर और शो में, अच्छी पोजीशन हासिल की है जी। अच्छा। हाँ जी। और एक बच्ची जो भाई साहब साथ में खड़े हैं इनके पास है, 15 महीने की बच्ची 63.5 इंच हुई खड़ी है इस घोड़े की, भाई साहब के पास में। हाँ जी। चलो, इस घोड़े के सभी बच्चे अच्छे और शो क्वालिटी और बड़े बच्चे आए हैं जी। बाकी 2 नुकरे घोड़े लेके आए थे? हाँ जी, 2 नुकरे घोड़े जी। मेरे लगता है 2 नुकरे घोड़े संभालना, 6 घोड़े संभालने जैसा है। हाँ जी, नुकरा तो एक ही मारवाड़ी शेर के मुकाबले भी, क्योंकि इसे शाइनिंग वगैरह और इसके मान लो स्किन वगैरह का ज्यादा कोट का ध्यान रखना पड़ता है। दूध जैसी सफेदी है? दूध जैसी सफेदी जी। वाह, मेरे लगा नुकरे में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ज्यादा करनी पड़ती है जी, अगर मेहनत करेंगे फिर ही मेहनत का फल मिलेगा जी। कुर्ते का कलर, घोड़े का कलर दोनों मैच करना चाहिए, मजा आवे तब आवे जी। आपने तो घोड़े साम साम के कुर्ते के कलर भी पीले पड़ चुके हैं जी।
चलो चलो अच्छी। कैसी लगी मंडी इस बार भाई साहब? मंडी भाई साहब बहुत अच्छी है। जो हॉर्स शो हुआ था वो भी बहुत अच्छा हुआ था, सारी जजिंग फेयर हुई है। वैसे तो कोई मानने वाला ना माने, अपना घोड़ा 9th पोजीशन पे आया है, हम सेटिस्फाइड हैं। अच्छा। क्योंकि कई बार कोई थर्ड कौन सा लगाया था, उधर वाला नहीं जी, वो किसी शो में लगाया जी, इसको लगाया था। अच्छा। और 9th पोजीशन पे जब आया ना, उन्होंने भी बोला इसका बच्चा भी जब है, आपको सेटिस्फेक्शन कैसे है? फर्स्ट से लेके 8th पोजीशन तक जो घोड़े थे ना, सभी घोड़े एक ना एक शो में फर्स्ट सेकंड आए हुए हैं। टफ मुकाबला था, जो जिसने पोजीशन ले ली ना वो और भाई देखो यार, शो में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी आए या ना आए, मेरे लगता है मालिक के लिए विनर होना चाहिए, विनर होना चाहिए है ना। शो में मेरे को लगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं मान के चलो 30वें नंबर पे भी आ गया तो क्या फर्क पड़ गया यार? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन ही कर रहे हैं उसकी। घोड़े का होता है ये रिजल्ट, सब पहले सोच के दौड़ते हैं हम, फर्स्ट आए सब पहले सोच के ऐसे दौड़ते हैं, सेकंड का तो कोई भी नहीं चलता। अरे यार सभी फर्स्ट आ जाओगे तो ऐसे 100 वाले बर्बाद ही हो जाने यार। माने चलो 1,00,000 रुपए इनाम रखा और 30 घोड़े फर्स्ट पे आ गए, 30,00,000 रुपए प्राइज मनी तुम्हारे को कहां से देंगे यार? अपना ना एक बात और बताता हूँ, अपने मलकटी मारवाड़ी में बच्चा डाला था, 45 बच्चे थे उसमें, अपने रिलेटिव हैं वो, उन्होंने रिंग स्पॉन्सर किया था। लोग बोलते हैं जो स्पॉन्सर होते हैं उनका घोड़े फर्स्ट सेकंड आता है, उनका घोड़ा 9th पोजीशन पे आया। चलो बढ़िया, सारे रैंक कर वो स्पॉन्सर किया था, पर सही हक सच की बात यार देखो, जजिंग सही होनी भी चाहिए ना यार, आप लोग इतनी मेहनत करते हो ना। हाँ जी, जो लोग रिंग में घोड़े लगाते हैं, हाँ अगर स्पॉन्सर से बाले के घोड़े अगर फर्स्ट आएंगे तो फिर यार जो आम आदमी है जो मंडी में घोड़े लेके आ रहे हैं उनका होगा क्या यार? भाई जी पहले बात तो है, जिन्होंने शो में आके जज साहबानों के साथ लड़ना है ना, वो घर पे रहे, उनका घोड़ा तो फिर घर पे ही फर्स्ट है, वो मंडी में नहीं लाए, घर में डाले। रिंग में घोड़ा लगा रहे हो ना तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। रिंग में जब घोड़ा लगाओ तो आप ये सोच के जाओ मेरे घोड़े का नंबर नहीं आएगा, आ जाए तो अच्छी बात है। जब अपन ने घोड़ा ये लेकर गए ना, देखा सभी जजेस ने अपने को ये लास्ट में बोला भी आपका घोड़ा ना इस बार बच्चा है, सभी घोड़ों से छोटा है, अगर नेक्स्ट टाइम डालोगे जो फर्स्ट से फिफ्थ पोजीशन लेगा, जैसे कुरुक्षेत्र लेकर आया है, अपने को जो संतुष्टि है क्योंकि ये बच्चा है, बाकी घोड़े बड़े हैं उनको घोड़े वाली देख है, ये भी बच्चा है, घोड़ा 8 साल 7-8 साल का बनता है, 4 साल का तो बच्चों में ही आता है अभी तक। चलो चलो बहुत बढ़िया, आप यंग एज में मेरे लगता है बहुत अच्छी समझ है, यही समझ अगर मेरे लगे बड़ों में आ जावे तो मेरे लगे रिंग में जो लड़ाई झगड़ा होता है मसला ही खत्म हो जाए। नहीं यार हर आदमी को समझा भी नहीं सकते यार, देखो सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है जिसने घोड़ा रख लिया, वो हर आदमी के अंदर नहीं आ सकती ना यार, हर आदमी के अंदर नहीं आ सकती। मेरे पास 2 घोड़े खड़े हैं, दोनों घोड़ों का देख लो कितना फर्क है, मैं किसको फर्स्ट हूँ किसको सेकंड, मेरे के लिए तो दोनों फर्स्ट टेस्ट हैं। चलो चलो भाई, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए फर्स्ट ही है, फर्स्ट ही है जी। चलो क्या है भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर? मेरा नंबर जी, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, रणवीर जी घोड़े का कार्ड है जी। बिल्कुल, आपका ये 400032 वाला ही नंबर है? हाँ जी, मैं बाकी बोल भी देता हूँ जी। हाँ बोलिए। 7657940032। बात भाई आप जो कह रहे हो उससे हम एग्री है, जैसे देखो कुछ लोग हैं उनको ऐसा लगता है, कुछ लोगों को हम पागल नजर आते हैं, नहीं नहीं दोनों ही चीज है, बहुत बेनिफिट मिला है ये आपका भी। प्रदीप जी लोग बोलते हैं कमाई के लिए फिरते हैं, अगर ये आपका कमाई का साधन है ना जी, जो मेरे पास मेरे घोड़े देखेंगे, कुछ आपकी वीडियो से कोई 10 घोड़ी भी आई तो मेरा भी बेनिफिट है। तो भाई कमाई का साधन, कमाई का साधन एक का नहीं है, कमाई का ऐसा ही, हमारा सारा खर्चा जो तुम उठा लो, हाँ जी फ्री में वीडियो बनाते रहेंगे, सही गल है जी, तुम कमाओ पैसा और हम बर्बाद हो जावे, तो ऐसा भी काम करने का मेरा लगता है कोई फायदा है नहीं, है ना? नहीं नहीं जी सर, क्योंकि हम भाई रात और दिन घूमते हैं तो पैसा लगता ही है, बिना पैसे के दुनिया में कुछ काम नहीं चलता। मेरे कजन है जी, उनका कुलवीर सिद्धू के नाम पे चैनल है, उन्होंने पूरे 2 साल आई थिंक 3-4 लाख का तो उन्होंने तेल बाल दिया, फिर उनका चैनल चला है, फिर उनके पास इनकम आने लगी है। ये चीज जो करता है ना उसी को, जैसे अभी मान ले चलो किसी ने घोड़ा 1 करोड़ का बेच लिया, मेरे को लगेगा यार इसके तो मजे आ गए, समझ रहे हो, अब ये नहीं देखेगा इसकी मेहनत कितनी लगी। ऐसे ही क्या है, यूट्यूब में आदमी देखता भी है, हमारे को कभी कभार बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं, पर उनको ये समझ में, ये तो यार देखो मीडिया वाला काम पता है कैसे हो गया, पुरानी पिक्चरों में हम देखा करते थे कि जब भाई कोई मीडिया का बंदा अगर कोई सच खबर दिखा देता था ना तो गुंडे उसके पीछे लग जाते थे, वही यही टाइम, यही वही वाला टाइम है। कभी कभार मेरे को लगता है वो वास्तव में पिक्चरों में सही दिखाते थे, सही दिखाते थे जी, जो फ्यूचर में शो हो रहा है वो, हाँ और अभी होता भी है बहुत सारे, पर ये कि हम बोलते नहीं है, क्योंकि बोलते तो फिर सामने वाले को, सामने वाला क्या बोल तो देता है, पर जब हम बोलते तो उसको ऐसी कड़वी लगती है, कड़वी लगती है जी। बोलो तभी जब तुम्हारे अंदर सहन शक्ति हो सुनने की, क्योंकि तुम किसी के बारे में गलत बोलोगे तो हम भी तुम्हारे बारे में गलत ही बोलेंगे। नहीं नहीं जी, मैं तो आता हूँ जो बात है वो सही बोलो,
अपने आइडल हैं जी भाई गुरप्रताप गैरी गिल जी, बिल्कुल मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, उनकी जो बात होती है वो डंडे भी चोट पे करते हैं, मेरे को लगता है ठोके करते हैं, ठोके करते हैं, मेरे को लगता है हर घोड़े वाला ऐसे ही ठोके करे, ठोके करे, घोड़ा मार्केट में कोई भी आदमी गलत करने से पहले हजार बार सोचे ये अपना भी वही उसूल है, भी जो बात करनी है ठोके करे, कल को देनी ना, इसलिए उस घोड़े का बोला है अपने पिछले वाले का। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया लगा।